हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल का एम है टू फाइंड द वेट ऑफ अ गिवन बॉडी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम क्लास 11th का फिजिक्स प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं और इस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम थियोरी में लर्न करते हैं उसको यूज करके एक अननोन बॉडी का वेट मेजर करने वाले। तो हमें इसको किस तरह से परफॉर्म करना है उसको जानने से पहले हम थोड़े बहुत एपेटस के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से एपेटस यहाँ पे यूज होने वाले। तो जो सबसे पहला जो हमारा एपेटस है वो ये हमारा स्टैंड है, वुडन स्टैंड। इस वुडन स्टैंड के ऊपर आप देख सकते हो कि दो पुली यहाँ पे अरेंज की गई है। दोनों पुली के एंड पे हमने दो वेट बॉक्स या वेट हैंगर आप इसको बोल सकते हो उसको हमने अटैच किया हुआ है और बीच में एक बॉडी यहां पे अटैच है। इसी बॉडी का हमें वेट मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास रेडी होता है लैब में और इसी तरह से हमें हैंगर्स में वेट यूज करने इस तरह से और ये बीच में सेंटर में अननोन बॉडी यहां पे हम अटैच करेंगे। उसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो कुछ वेट बॉक्स हमारे पास यहाँ पे पड़े बराबर, ये हर एक वेट ब्लॉक का जो मास है वो है 50 ग्राम। ठीक है, तो 50-50 ग्राम के स्लॉट्स हम लोग यूज करेंगे इस प्रैक्टिकल के अंदर इस बॉडी के वेट मेजरमेंट के कुछ रीडिंग्स में। उसके बाद हमें दो या तीन ब्लैंक पेपर चाहिए बराबर। इस ब्लैंक पेपर को हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे बराबर और इस फिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस अरेंजमेंट की हेल्प से हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे अननोन बॉडी का वेट मेजर करेंगे। तो ये हमारे एपेटस है बराबर जो हमें इनिशियली चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले बराबर। इसका थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्योरी आपने पढ़ा भी है अपने रेगुलर टेक्स्ट बुक में बराबर एनसीईआरटी में कि जब भी आपके पास दो वैक्टर होते हैं पी एंड क्यू और दोनों वैक्टर अगर सेम ओरिजिन से निकल रहे ना तो आप उन दोनों को मिला के एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं और ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा ये डायगोनल आपको पी और क्यू वेक्टर का एडिशन देगा और इस एडिशन को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम थ्योरी में कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। और ये हमारा इक्वेशन है आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो हम इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको हम यूज करने वाले हैं कि किस तरह से हम इसको यूज करके अननोन बॉडी का वेट मेजर कर सकते हैं। तो वेट मेजर करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है हमें यहां पे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है कि वेट ऑफ अ गिवन बॉडी, तो हम जिस बॉडी का वेट मेजर करने वाले इस मेथड से उसका ओरिजिनल वेट कितना है। तो ये हमारा बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी आप यहां पे देख पा रहे हो। इस स्फेरिकल बॉडी का वेट हम ऑलरेडी मेजर करेंगे हमारे वेट मशीन में। तो इस बॉडी का हम वेट यहां पे मेजर करने वाले बराबर और फिर हम उसको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से भी मेजर करेंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पे हमें इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये वेट हमारा आ रहा है 67.2 बराबर। तो 67.2 ग्राम ये हमारी बॉडी का वेट है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब भी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से इसको मेजर करेंगे तो ये भी वेट हमारा 67.2 के करीब आना चाहिए, नियर बाय आना चाहिए बराबर। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें समझना है जो ऑब्जर्वेशन है हमारा वो ये है स्केल। स्केल यहां पे क्या मतलब होता है कि हम जब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो हम पेपर के ऊपर पैरेललोग्राम बनाएंगे और पेपर के ऊपर जो पैरेललोग्राम बनाना है उसकी जो दो साइड्स होती है पी एंड क्यू एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों साइड का जो मेजरमेंट होता है वो किस तरह से यूज करना है। तो उसका जो स्केल हमें यहां पे सिलेक्ट करना है वो स्केल ऐसा है कि स्केल ऑफ अ ड्रॉइंग द पैरेललोग्राम दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो पैरेललोग्राम जो आप बनाओगे उस पैरेललोग्राम का जो 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ होता है वो 1 सेंटीमीटर 50 ग्राम रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आप पैरेललोग्राम की कोई भी साइड का लेंथ मेजर करके आप उस लेंथ को वेट में कन्वर्ट कर सकते हो।
या आपके पास जो वेट होगा उस वेट को पैरेललोग्राम की लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मुझे 50 ग्राम का अगर लाइन बनाना है, 50 ग्राम के करस्पॉन्डिंग लाइन बनाना है, तो 50 ग्राम का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लाइन बनाऊंगा। बराबर उसी तरह से यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, तो वो हम आगे प्रोसीजर में समझेंगे जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नोट डाउन करनी है बिफोर वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, कि हमारी जो बॉडी है उसका गिवन वेट कितना है। जो हमें इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस हो आपके पास तो स्प्रिंग बैलेंस से निकाल सकते हो, डिजिटल हो तो डिजिटल से निकाल सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो आपको इस तरह से इसका वेट यहाँ पे मेजर करके नोट डाउन करना है, और उसके बाद जो स्केल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल के लिए, उसको भी नोट डाउन करना है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो है ऑब्जर्वेशन टेबल। तो जब हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें ऑब्जर्वेशन टेबल को समझ लेना है। तो अरेंजमेंट किस तरह का है हमारा सिस्टम का, जो मैंने आपको आगे भी बताया, इस तरह से बिल्कुल आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी दोनों जो स्ट्रिंग है वो पुली के ऊपर है, पुली आपकी एकदम फ्रीली रोटेटेबल होनी चाहिए। बराबर फिर जो आप हैंगर यहाँ पे आप अटैच कर रहे हो, हैंगर आपके मतलब स्टेबल होने चाहिए, बॉडी भी आपकी स्टेबल होनी चाहिए। बराबर बॉडी का जो स्ट्रिंग आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बराबर, ताकि आप प्रॉपरली इसको परफॉर्म कर पाओ। तो ये हमारा प्राइम अरेंजमेंट होगा। बराबर अब हमें इसको समझना है कि इसी आप अरेंजमेंट को मैंने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है, बराबर, ताकि हम आप ऑब्जर्वेशन टेबल को अच्छे से समझ पाए। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले ये हमारा पी वाला हैंगर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये हमारा क्यू वाला हैंगर है। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऑन लेफ्ट हैंड साइड दिस इज अ पी हैंगर एंड दिस इज अ क्यू हैंगर, और इसके अंदर हम अलग अलग वेट को प्लेस करेंगे, अलग अलग वेट ब्लॉक लगाएंगे, और हम पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे। बराबर हमें 3 रीडिंग यहाँ पे लेने हैं। ये हमारा अननोन मास वाला जो बॉडी है जो यहाँ पे सेंटर में होता है। बराबर तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहला जो कॉलम है वो है फोर्स पी, दैट इज अ वेट इन हैंगर। बराबर तो पी मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हैंगर है उसका कितना वेट आपने यहाँ पे यूज किया हो, तो हैंगर खुद 50 ग्राम का है। बराबर तो अभी आप जैसे हम मान लो इसी को हम रीडिंग मान ले, तो पहला रीडिंग जो होगा वो हैंगर का वेट खुद यहाँ पे कितना है इस साइड पे 50 ग्राम। बराबर तो हमारा जो सबसे पहला जो रीडिंग हम यहाँ पे लेने वाले वो हम फोर्स ऑन पी दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम, तो यहाँ पे हमें 50 ग्राम लेना है। बराबर 50 ग्राम की करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी होती है, बराबर तो 50 ग्राम का मतलब क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी बताया मैंने कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ग्राम होता है, तो 50 ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी यहां पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट वाले हैंगर में जिसको हमने पी नाम दिया हुआ है वहां पे हमें 50 ग्राम को वेट को यहां पे फिक्स करना है। तो ये हैंगर हमने लगाया हुआ है, ये हैंगर खुद 50 ग्राम का है, तो यहां पे और कोई ब्लॉक हमें अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 50 ग्राम यहां पे अटैच हो चुका है। 50 ग्राम के करस्पॉन्डिंग लेंथ जो मैंने बताया कितनी होती है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख लिया। उसी तरह से फोर्स क्यू, क्यू मतलब ये वाला हैंगर, राइट हैंड साइड वाला हैंगर, बराबर डायग्राम, इसी को भी कोई भी नाम आप दे सकते हो, दैट इज फॉर योर रेफरेंस ओनली, मतलब ये इसका कोई और मतलब नहीं है। तो एक को मैंने पी नाम दे दिया, एक को मैंने क्यू नाम दे दिया, ठीक है। तो इस क्यू वाले हैंगर में भी हमें 50 ग्राम लगाना है, तो इसका भी जो पहला रीडिंग होगा, पहला जो ग्राम वेट होगा उसका 50, और उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर। तो पहला रीडिंग लेने से पहले हमें ये वेट को इस तरह से डिसाइड करना है कि हम हैंगर में कितना वेट रखने वाले, ठीक है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो मैं सबसे मिनिमम से स्टार्ट कर रहा हूं 50-50, दोनों साइड पे 50-50 है। अब हमें क्या करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हमें यहाँ पे ये करना है कि हमारे पास जो 2 या 3 प्लेन पेपर है उसमें से हम सबसे पहला पेपर यहाँ पे लेंगे, और सबसे पहले पेपर को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे इधर, इस तरह से हमें इस पेपर को इस वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स कर लेना है, ठीक है, बिहाइंड दिस पुली ये फिक्स रहेगा इस तरह से। जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, जब हम पहला मेजरमेंट करने वाले, तो जो पहला मेजरमेंट है उसमें इस तरह से पेपर फिक्स करने के बाद हमें इंश्योर करना है कि ये जो सारे बॉडीज जो यहाँ पे हैंगिंग है ना वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। तो हमने इसको स्टेबल कर लिया है अभी यहाँ पे। अब जो हमारा पहला मेजरमेंट था, उस पहले मेजरमेंट लेफ्ट हैंड साइड में 50 ग्राम वेट है, राइट हैंड साइड में भी 50 ग्राम वेट है, बराबर बीच में हमारी अननोन बॉडी है। तो हम पैरेललोग्राम को किस तरह से प्लॉट करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो हमें उसके लिए चाहिए एक मिरर, इस मिरर को हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम बनाने के लिए।
तो मिरर को किस तरह से यूज करना है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें क्या क्या काम करना है, तो हमें इस मिरर को इधर बिल्कुल इसके पीछे यहाँ पे रखना है, बराबर। सिस्टम हम देख लेंगे कि बिल्कुल स्टेबल है हमारी, बराबर। ये जो हमारा बॉडी है वो बॉडी बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए इस पुली सिस्टम में, ठीक है। तो मिरर को हम यहाँ पे रखेंगे। अब मिरर को यहाँ पे रखने के बाद हमें यहाँ पे पैरेलेक्स को निकालना है। पैरेलेक्स को निकालने का मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रही है ना, स्ट्रिंग की इमेज आपको मिरर में दिखाई दे रही है, आपको अपनी आई साइट पे ये दोनों को मर्ज कर लेना है। मतलब ये बिल्कुल इमेज जो है वो बिल्कुल इस स्ट्रिंग के पीछे आ जानी चाहिए, और वहां पे आके आपको यहाँ पे इधर डॉट बना देना है, बराबर। बिल्कुल आप देख रहे हो ना, जैसे इस तरह से वीडियो में अभी आपको इमेज नहीं दिख रहा है, इस राइट हैंड साइड में जस्ट ऑब्जर्व करिए, इमेज बिल्कुल इस स्ट्रिंग के पीछे आ चुका है। तो इसके पीछे बिल्कुल यहाँ पे मिरर के पास आपको यहाँ पे इधर पीछे डॉट बना देना है। उसी तरह से एक डॉट आपको यहाँ पे भी बनाना है, बराबर। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के पीछे हम यहाँ पे डॉट बना देंगे। तो मिरर की हेल्प से हम लोग इमेज और ये ऑब्जेक्ट जो हमारा स्ट्रिंग है उन दोनों को मर्ज करके हम पीछे उसी स्ट्रिंग के पीछे एक रेफरेंस डॉट बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरेलेक्स। तो ये पैरेलेक्स को इस तरह से रिमूव करना है, दोनों को कोइंसाइड करवा के मिरर के थ्रू, और आपको पीछे एक रेफरेंस डॉट बनाना है, और एक डॉट आपको बिल्कुल इसके पीछे बनाना है, ये जो सेंटर है हमारा। तो इसके पीछे डॉट बनाने का तरीका क्या होता है, तो आप बिल्कुल इसको इस तरह से आप रख लीजिए, बराबर। और ये बिल्कुल डॉट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो मिरर के अंदर, और ये बस जस्ट मिरर के ऊपर, मैंने इसको जस्ट मिरर के पीछे लाके रखा हुआ है, जस्ट मिरर वहां से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। तो आप इसको ये डॉट यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरह से हमारे तीन डॉट बन जाते हैं। ये डॉट बिल्कुल इसके पीछे बन रहा है, बराबर। ये डॉट जो है वो इस वाली स्ट्रिंग के पीछे है, और ये जो डॉट है वो इस वाली स्ट्रिंग के पीछे है, बराबर। तो ये तीन डॉट बन जाने के बाद एक और डॉट हमें बनाना होता है इधर, ये जो आपका वेट है बिल्कुल उसके उस रस्सी के लिए, उस स्ट्रिंग के लिए, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। तो ये हमने इसके भी नीचे यहाँ पे बना दिया। तो ये चार डॉट हमारे रेडी हो चुके हैं, बराबर। अब हम इस पेपर को उतार लेंगे। तो इस पेपर को उतार देना इस तरह से। अब उतार लेने के बाद हमें जो डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, ये हमारा ओरिजिन है, बराबर। हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रिंग था वो पी के लिए था, और राइट हैंड साइड वाला स्ट्रिंग था वो क्यू के लिए था, और ये हमारा अननोन बॉडी का मास जिसको हम एस बोलते हैं, ठीक है, उसका ये रेफरेंस लाइन है, बराबर। तो पहले इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे पी साइड के हैंगर में कितना वेट हमने लगाया था, तो ये हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले लिखा हुआ, पी साइड के हैंगर में हमारा 50 ग्राम है। 50 ग्राम का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम 1 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे इस डॉट की मदद से। तो बिल्कुल यहां पे स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, बट लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर रहेगी। डॉट हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का डॉट बनाना है, तो ये बिल्कुल ये मैं जैसे 11 पे रख रहा हूं यहाँ पे, बराबर। और ये डॉट बन गया हमारा 1 सेंटीमीटर, मतलब 11 और 10। तो स्केल की हेल्प से आपको 1 सेंटीमीटर का डॉट बना देना है इस तरफ, एक लाइन बना लेनी है, सॉरी डॉट नहीं, लाइन बना लेनी है 1 सेंटीमीटर की। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का एक साइड बन गया। उसी तरह से इस साइड में भी हम 1 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी हमने 50 ग्राम वेट ही रखा हुआ है, तो उधर भी 1 सेंटीमीटर का ही हम एक लाइन बनाएंगे। तो ये एक लाइन हम यहाँ पे बना लेंगे बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन में। रेफरेंस डॉट को आपको एज अ रेफरेंस यूज करना ही है, बराबर। और लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में बननी चाहिए। तो ये 1 सेंटीमीटर का लाइन हमारा बन गया। तो ये आधा पैरेललोग्राम आप देख पा रहे हो, आधा बन गया, ठीक है। इस लाइन को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे हमारे रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल उसके सामने भी 1 सेंटीमीटर का होगा, बराबर। ये 1 सेंटीमीटर है तो इधर भी सामने 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहां पे भी 1 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेते हैं, पहले एक मार्किंग कर लेते हैं, और एक मार्किंग यहां पे भी कर लेते हैं, देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर आ रहा है उधर पॉइंट पे, हाँ ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1 सेंटीमीटर का लाइन इस तरफ।
और ये बन गया 1 सेंटीमीटर का लाइन इस तरफ। इसमें दो तरीके, आप दो तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है? तो दूसरा भी एक तरीका है कि आप अगर प्रोटेक्टर यूज करना चाहे, सॉरी राउंडर यूज करना चाहे, बराबर, तो अगर आप राउंडर यूज करना चाहे तो राउंडर की मदद से भी आप कर सकते हो। कैसे? कि जैसे ये साइड था, इसको हम इस तरह से इसका लेंथ मेजर कर ले, ये रहा हमारा लेंथ इतना, बराबर। अब इस राउंडर को यहां पे रखना है इस तरफ के एंड पे, ठीक है, और आप यहां पे एक आर्क बना सकते हो। हाँ, तो ये हमारा राउंडर रेडी है और यहां पे हम एक आर्क बना सकते हैं बिल्कुल छोटा सा, बराबर। उसी तरह से इस राउंडर को हम यहां पे रख ले, इसका लेंथ यहां पे इस तरह से मेजर कर ले, देख लीजिए। अब इसको हम यहां पे रखेंगे और यहां पे भी आर्क बना लेंगे। तो दोनों आर्क कहां पे मिलते हैं? देख लीजिए, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि दोनों साइड यहां पे मीट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल बन के रेडी हो गया। ये जो इंटरनल आपको ये दिखाई दे रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं, दिस इज अ डायगोनल, ये हमारा डायगोनल है। और ये डायगोनल जो होगा वो हमें बॉडी का वेट देगा, क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम में दो वेक्टर का एडिशन होता है, बराबर। तो इस डायगोनल की लेंथ हमें मेजर करनी है। तो इस तरह से आप स्केल को रखिए यहां पे और इसकी लेंथ हम मेजर करेंगे। तो आ रहे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और 2 के ऊपर आपका यहां पे टोटल 4 डिविजन आ रहा है, ठीक है। तो ये बन गया इसका जो लेंथ होगा, डायगोनल का जो लेंथ है, दैट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें इसको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में हम रिकॉर्ड करेंगे कि जो डायगोनल है हमारा पहला रीडिंग, तो डायगोनल का जो लेंथ मिला वो मिला 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको करस्पॉन्डिंग वेट में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 50 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 mm का मतलब कितना हुआ? 5 ग्राम हुआ, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 50 ग्राम और 1 mm मतलब 5 ग्राम, तो ये 1.4 है। तो 50 ग्राम प्लस 20 ग्राम मतलब कितना हो गया? तो 1.4 सेंटीमीटर है। तो 1.4 सेंटीमीटर को अगर हम वेट में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाता है? 70 ग्राम, बराबर। आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने स्केल को यूज किया? एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारा जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 ग्राम है, मतलब 1 सेंटीमीटर की लेंथ है वो 50 ग्राम इंडिकेट करती है। तो 1 mm कितना इंडिकेट करेगा? 5 ग्राम इंडिकेट करेगा। तो ये 1.4 है, आप इसको करस्पॉन्डिंग वेट में कन्वर्ट करिए। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 50, ऊपर का 4 mm, तो कितना हो गया? 20। तो 50 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो हमारा जो पहला रीडिंग आ रहा है वो 70 ग्राम आया, बराबर, जो कि ऑलमोस्ट जो हमारा ओरिजिनल वेट है वो कितना है? 67.2, तो उसके नियर बाय आ रहा है, बराबर। तो आपको हो सकता है कुछ एग्जैक्ट मास वेट भी मिले, आपको हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिले, बराबर। तो कोई इश्यू नहीं है, हम एंड में एरर को कैलकुलेट करेंगे और हम इसको परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से हमें दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करना है सेम वे में, बट अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? हमने लेफ्ट साइड के हैंगर में 50 ग्राम था, राइट साइड के हैंगर में 50 ग्राम था। अब हम दूसरा सिलेक्शन लेने वाले वेट का, दोनों हैंगर में 100 ग्राम 100 ग्राम प्लेस करेंगे। तो 100 ग्राम का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर। राइट हैंड साइड में भी, क्यू में भी 100 ग्राम का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर, बराबर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है यहां पे? तो ये ऑलरेडी 50 ग्राम का हैंगर है और 50 का मैंने ऐड कर लिया यहां पे, तो टोटल हो गया 100 लेफ्ट साइड में। उसी तरह से राइट साइड में भी मैंने और एक 50 का ऐड कर लिया, बराबर। और आपको क्या करना है? थोड़ा इसको खींच के छोड़ देना है। अब खींच के थोड़ा छोड़ दोगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, बराबर। और एक दूसरी चीज जो मैंने पहले ही बताया कि आपके हैंगर्स बिल्कुल एकदम स्टेबल होने चाहिए, बराबर। तो ये बिल्कुल हमारा स्टेबल हो गया, बराबर। अब हम यहां पे पेपर को फिक्स करेंगे, बराबर। तो हमारा पेपर यहां पे फिक्स हो चुका है। अब पेपर को फिक्स करने के बाद सेम एज इट इज जो हमने पहले रीडिंग में किया था, पहले मिरर यहां पे प्लेस करेंगे, बराबर। बिल्कुल एक रेफरेंस लाइन हम यहां पे बनाएंगे इस स्ट्रिंग के बिल्कुल पीछे मिरर की हेल्प से, और इस तरफ भी इस स्ट्रिंग के पीछे, एक नीचे की तरफ। और एक इस सेंटर के बिल्कुल पीछे।
बराबर, तो बिल्कुल सेंटर के पीछे इस तरह से अगेन एक चार डॉट बन जाएंगे हमारे, बराबर आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। अब ये हमारा बन गया दूसरे रीडिंग के लिए, 100 100 ग्राम हमने दोनों तरफ दोनों हैंगर में यहाँ पे यूज किया हुआ। ठीक है, पेपर को आपको नीचे, पेपर को उतार देने के बाद अगेन हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे, बराबर यहाँ पे हम बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, हमना हमारा जो दूसरा रीडिंग है वो 100 सेंटीमीटर के लिए दोनों साइड पे, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर जो हमने स्केल सिलेक्ट किया है, 50 मतलब 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें जो लाइन बनाना है वो 2 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डॉट की हेल्प से हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लाइन बनाएंगे 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे बन गया 2 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का बनेगा, लाइन बन गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर आप यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ये 2 सेंटीमीटर है तो सामने भी 2 सेंटीमीटर बनेगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर बनेगा। उसके लिए हम फिर से ऐसा भी हम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे हम राउंडर लेंगे, राउंडर की लेंथ इस तरह से मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद एक आर्क बना लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इधर बन गया। उसी तरह से यहाँ पे हम राउंडर रखेंगे, ये भी आप देख लीजिए 2 सेंटीमीटर का ही है, और यहाँ पे भी एक दूसरा आर्क बना लेंगे, बराबर दोनों आर्क यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम और दो लाइन बना लेते हैं, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देख लीजिए स्केल में 2 सेंटीमीटर का लाइन है। ठीक है, और ये भी लाइन आपको इस तरह से बना लेना है। ये करने के बाद ये आपका डायगोनल बन के रेडी हो गया है, और इस डायगोनल का हमें लेंथ मेजर करना है, तो इसका लेंथ कितना होगा एक दूसरे रीडिंग के लिए। ठीक है, तो इसका लेंथ हम मेजर करेंगे, ये भी आप देख पा रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर, 2 एंड 2.4, ये भी 2.4 मतलब 1 से 2.4 तक का डिफरेंस हो गया 1.4, मैंने यहाँ पे एक पे रखा हुआ है और ये दूसरा एंड जो आ रहा है वो 2.4 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 2.4 पे आ रहा है आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी लेंथ कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर, बराबर मतलब आप समझ पा रहे हो ना, जीरो से मैंने रखा हो तो आपको एग्जैक्ट पता चलता, ये जीरो पे स्केल रखेंगे तो कितने पे आ रहा है 1.4 या 1.3 पे आ रहा है, 1.4 पे आ रहा है। ठीक है, डॉट जो आ रहा है नीचे वाला 1.4 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट, ये भी 1.4 पे आ रहा है, तो ये आपका 1.4 पे रख देते। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लिख लेना है 1.4 आपका डायगोनल हो गया, और 1.4 के करस्पॉन्डिंग वेट कितना हो गया 70 ग्राम। इस तरह से हमें तीसरी बार करना है बराबर, तो तीसरी बार मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है आप समझ चुके होंगे। तीसरी बार हमें क्या करना है, 150 150 के लिए दोनों साइड पे हम 150 150 वेट लगाएंगे बराबर। अगेन इसको हम सेंटर में थोड़ा ऐसे खींच के छोड़ देंगे, बराबर अपने आप ये अरेंज हो जाएगा। अगेन पेपर को प्लेस करेंगे, अगेन 3 डॉट मार्क करेंगे, और अगेन यहाँ पे अब 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा बराबर। तो हमारा जो तीसरा रीडिंग होगा उसका सेट होगा 150, मतलब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी राइट हैंड साइड में भी 150, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसका जो मेजरमेंट हमें मिलेगा ये मेजरमेंट हमने ऑलरेडी हमने किया हुआ था बराबर, तो ये आ रहा था कुछ अराउंड 1.5 सेंटीमीटर बराबर। तो ये मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें परफॉर्म करना है, तो ये परफॉर्मेंस आपको इस तरह से पूरा प्रैक्टिकल करना है, और उसके बाद ये 1.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट हो जाता है 75 ग्राम। तो हमें 3 मास मिल गए, अभी तीनों का हम एवरेज निकालेंगे, तो ये तीनों का जो एवरेज वेट आपको मिलेगा, इसको मैं सिंबल देता हूं डब्ल्यू डैश, तो ये डब्ल्यू डैश एवरेज हमारा मिलता है 71.6 ग्राम। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेशन से मतलब प्रैक्टिकल से हमें ये वेट मिला है, और हमारा जो एक्चुअल वेट था वो था 67.2 ग्राम। ठीक
ठीक है, तो ये कुछ एरर हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है बराबर, तो इसको हमें नोट डाउन भी करना है। तो हमें क्या नोट डाउन करना है उसको भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो ये आता है कैलकुलेशन, जिसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू पी हमारा कितना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यू पी मतलब हमारा ओरिजिनल जो वेट है ये वाला, ठीक है, 67.2। तो ये हो जाएगा 67.2 माइनस डब्ल्यू डैश, मतलब ये कितना होगा हमारा 71.6 डिवाइड बाय 71.6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो हमें एरर मिलेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एरर अराउंड आता है, माइनस में आएगा 6.1%। तो 6.1% हमारा एवरेज मिलता है बराबर, एरर मिलता है सॉरी। तो ये हमें हमारे मेजरमेंट में इतना एरर मिला। तो ये एरर आने के चांसेस कौन कौन से थे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्यों एरर आया। तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देख पा रहे हो कि हमने जो वेट स्लॉट यूज़ किए हैं बराबर, ये वेट स्लॉट हमने यहाँ पे कंसिडर किए 50 ग्राम, ये 50 ग्राम के हैं बराबर, यहाँ पे मार्किंग है। लेकिन जब आप इसका एक्चुअल वेट निकालते हो तो एग्जैक्ट 50 ग्राम नहीं होता है, ये 51 होता है, 52 होता है बराबर, कभी कभी 49 भी होता है। जैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल, जैसे ये कोई एक वन पर्टिकुलर वेट स्लॉट है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ इस डिजिटल मीटर में, तो आप देख पा रहे हो 51.80 है बराबर। हम अलग अलग वेट स्लॉट को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं बराबर। तो कोई ना कोई हर एक का जो वेट है वो एग्जैक्ट आपको 50 ग्राम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जैसे ये 51 आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन आता है वो आपका इसी के कारण आता है कि आप एग्जैक्टली 50 ग्राम के आप स्लॉट वेट स्लॉट यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में हम कितना लिख रहे हैं 50 ग्राम, और उसी के करस्पॉन्डिंग हम लेंथ बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो ये रीजन हो सकता है आपका कि कुछ एरर आपके ऑब्जर्वेशन में रहेगी। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट इस तरह से हमें परफॉर्म करना है। एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है हमारा रिजल्ट, तो रिजल्ट यहाँ पे हमें लिखना है एग्जाम में भी और हमारी जर्नल में भी, कि द वेट ऑफ द गिवन बॉडी यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डब्ल्यू डैश दैट इज इक्वल टू 71.6 ग्राम वेट। आप इसको जी की वैल्यू के से मल्टीप्लाई करके आप इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 71.6 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो फोर्स मिलेगा दैट इज इक्वल टू इन न्यूटन बराबर। तो आप न्यूटन में भी कर सकते हो और ग्राम वेट में भी आप इसको रख सकते हो, दैट इज अप टू यू बराबर। सेकेंड जो रिजल्ट होगा, द वेट ऑफ द गिवन बॉडी यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस और डिजिटल बैलेंस दैट इज इक्वल टू 67.2 ग्राम वेट, और हमारा जो एरर मिला वो मिला 61.6.1 सॉरी परसेंटेज। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसी तरह से आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से आप अननोन बॉडी का वेट निकाल सकते हो। थैंक यू।